कहूंगा कि जिस तरह की व्यवस्था एम्बुलेंस, ये भी हमने खूब लगाई, एम्बुलेंस खूब है। आपने माननीय सदस्यों ने कहा कि एम्बुलेंस हमारे जो विधायक कोटे से दी उनका उपयोग नहीं हो रहा है, हमने उसका उपयोग 108 को ही उनको देने का फैसला कर दिया। और सब एम्बुलेंस 1 अप्रैल से कोई ऐसी एम्बुलेंस नहीं रहेगी, जो सारी एम्बुलेंस को माननीय विधायकों के आभारी है, उन्हें एम्बुलेंस दी, सब कुछ किया, तो निश्चित रूप से उन एम्बुलेंस को भी हम चलाएंगे। भर्तियों का विवरण भी हमने काफ़ी भर्तियाँ की है, पिछले 4 वर्षों में 29,538 कार्मिकों की नियुक्ति प्रदान की गई, जिसमें 4,898 मेडिकल ऑफिसर भी हमारे हैं, हमने प्रमोशन भी किए हैं उनको। और जब जगह खाली हुई, आप देखिए जगह खाली होने के 15 दिन बाद हमको फाइनेंस ने अनुमति दे दी कि आप ये 600 डॉक्टर और भर्ती कर दो, इसीलिए हम 1765 डॉक्टर भर्ती कर पाए। फाइनेंस या मुख्यमंत्री जी कहीं कोई मना नहीं, तो सभापति महोदय जिस तरह की व्यवस्था है, नई भर्तियों में भी ANM GNM हम जो भी है, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन सब भर्ती कर रहे हैं। और 2013 का मामला नर्सिंग का उठा रहे हैं, 2013 की तो सभापति बहुत है, बहुत पुरानी बात हो गई, उसके बाद तो आपने भर्ती कर लिया, आपके समय कटौती हुई, उसके बाद तो कम से कम 20,000 नर्सिंग कर्मी हम भर्ती कर चुके, जो इस तरह के लगे हुए हैं लोग, जो जिनको 7-8 साल होगी उनको हम परमानेंट के लिए फिर मौका दे रहे हैं। उनका जो हमने कह दिया बिना परीक्षा भर्ती जो नर्सिंग की करा रहे हैं, 20,000 की भर्ती करा रहे हैं, जो माननीय सदस्यों ने शिकायत की हमारी नर्सिंग कर्मी नहीं है, हमारी ये नहीं है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 2 महीने के अंदर कोई नर्सिंग कर्मी की पोस्ट वैकेंट रही। इसलिए जो निश्चित रूप से हमने अभी जब हमने डेप्यूटेशन खत्म किया, सभापति महोदय 3,000 नर्सिंग कर्मी हमारे सरप्लस मिले, सरप्लस एक एक जगह दो दो तीन तीन सबको हमने ना जिलों में जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर जालौर सब जगह भेजा, हमने झालावाड़ से 100 थे वहाँ जोधपुर भेज दिया, और हमने 5 जिलों से एक भी ट्रांसफर नहीं किया। सभापति महोदय 5 जिले जहाँ कम इस सर्विस थी हमारी, हमने कह दिया एक भी ट्रांसफर नहीं किया। माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ, इन्होंने मेरी शर्तों को सब माना, किसी ने ट्रांसफर की नहीं कहा वहाँ से ट्रांसफर कर दो एक भी। और डेपुटेशन के लिए कोई माननीय सदस्य पक्ष का हो विपक्ष का हो, मेरे को आकर नहीं कहा कि मेरा डेपुटेशन कर दो। हमारे एक दो CM तो ने गलती की डेपुटेशन करने की, हम उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया, और भी कोई करेगा CMHO या ब्लॉक CMHO वो तुरंत सस्पेंड कर देंगे। जो सरकार इतना बड़ा अपना ढांचा है, इतना बड़ा नर्सिंग कर्मी सब सेंटर पर होगा, हमने जो हेल्थ वेल्थ सेंटर भारत सरकार ने बनाए, हमने 6,000 रुपये में पोस्टिंग कर दी है, अब हर सब सेंटर पर एक CHO रहेगा, एक NM रहेगी, निश्चित रूप से एक ही कर्मी रहता है, पाए नहीं है, दो रहेंगे तो निश्चित रूप से रोज जाएंगे, गांव में दवाइयाँ मिलेगी। अब हम ये जो भर्ती आपके सब सेंटर की हैं, इनकी जल्दी भर्ती करके हम इनको भी लगा देंगे, नई भर्तियाँ जो भी करेंगे सभापति महोदय हम बहुत जल्दी करेंगे। और हम चाहते राष्ट्रीय NHM में जो भर्तियाँ हुई हमारी, इसमें भी 10,000 भर्तियाँ हमने की है 4 साल में, और भी जब हमने UTV पर भी, हम तो ये कहते हैं कि हमारे CMHO वगैरह काम नहीं करते हैं, हम इसको सेंट्रलाइज करेंगे, हमको जहाँ भी लगेगा डॉक्टर की पोस्ट वैकेंट है क्या है कहीं नहीं है, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजों में हम राजमेश में करते हैं, यहाँ सेंट्रल हम CMHO भर्ती नहीं कर पाते हैं, पोस्टें खाली पड़ी रहती है, UTV पर लगाने में क्या दिक्कत है, हमारे मेडिकल कॉलेज हमारे राजमेश में हम UTV पर लगाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती कभी, शिकायत ही नहीं आती कभी, तो हम इनको भी परमिशन दे रखी है सबको, चाहे NM की पोस्ट हो, GNM की हो, लैब टेक्नीशियन हो, जो भी हो, आप UTV में भर्ती कर लो, कहाँ दिक्कत है। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं सभापति महोदय, भवन निर्माण के भी हमने, हमको PIP में भारत सरकार ने कई साल खूब पैसा दिया, हमको CSC का PSC का 2500 करोड़ रुपये उन्होंने दिया, हमने उसका बिना कोई भेदभाव के हमने DH का PSC का सबका बिल्डिंग बनाने का, और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मान लो उसमें नहीं हो, जब भी निवेदन करते हैं फाइनेंस फाइल भेजते हैं, मैं सभापति महोदय कहते मुझे बड़ा गर्व है, कभी मुख्यमंत्री जी ने किसी विधायक की कोई फाइल नहीं रोकी, सारा वित्तीय स्वीकृति।